हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लंदन से ललित मोदी ले आए जयपुर आरसीए में भूचाल। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में नया भूचाल आ गया है। आरसीए के अध्यक्ष सीपी जोशी सहित पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने आरसीए की कार्यकारिणी के अधिकारी छीन कर उसकी जगह एडहॉक कमेटी बनाकर आरसीए की सभी गतिविधियां उसके हवाले कर दी हैं। कमेटी अगले 3 महीने तक राजस्थान क्रिकेट की सभी गतिविधियां देखेंगी। नियमानुसार इसी दौरान आरसीए के चुनाव करवाने आवश्यक है। गंगानगर जिला क्रिकेट संघ के सचिव इस कमेटी में विनोद सहारन को कमेटी का संयोजक बनाया है। मजेदार बात तो ये है कि और जहां आरसीए की कार्यकारिणी को भंग कराने की गतिविधियां चल रही थीं, वहीं जयपुर के डब्ल्यूटीपी मॉल में आरसीए के अध्यक्ष सीपी जोशी और विपक्षी ललित मोदी गुट के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कर कवायद की जा रही थी। ललित मोदी गुट के जिन 16 जिला क्रिकेट संघ ने सीपी जोशी गुट के खिलाफ शिकायतें भेजी थी, उन्हीं के साथ जोशी गुट समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा था। समझौते के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इसी बीच आरसीए की कार्यकारिणी को भंग किए जाने के आदेश की सूचना आने पर दोनों पक्ष उठकर चले गए। सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज ने पवन द्वारा एडहॉक कमेटी को काम सौंप दिया। लंबे समय से जोशी गुट और आईपीएल के पूर्व कमिश्नर भगौड़े ललित मोदी गुट के बीच तानातानी चल रही थी। अब इस ताजा एपिसोड के पीछे भी ललित मोदी की भूमिका बताई जा रही है। आरसीए कार्यकर्ता भंग किए जाने के प्रकरण को लेकर आज ही जयपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन जस्टिस मनीष भंडारी ने उस रिट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता को अलग से अपील दायर करने का हक रहेगा। आपको बता दें कि आरसीए में बीते लंबे समय से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी अपने बेटे रुचिर मोदी को अध्यक्ष बनाने के लिए इस विवाद को बढ़ावा देते रहे हैं। पिछले साल ही रुचिर मोदी सीपी जोशी से हार गए थे। सीपी जोशी पर 16 जिला क्रिकेट संघों ने अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए थे। बताया जा रहा है कि बीते वर्ष आयोजित किए गए आईपीएल मोर्चे के दौरान गड़बड़ियों की बातें सामने आई। आरोप है कि सीपी जोशी गुट ने इन मैचों के द्वारा भारी घोटाला किया है। हालांकि घोटाले के आरोपी की बात खुलकर सामने नहीं आई है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।